Hello, good morning everyone. Good free IELTS classes. I am Tanu Virmani, an IDP certified trainer and a TEFL TESOL certified trainer. So today we are going to discuss about our live session 4. आज हम लाइव सेशन 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. एंड व्हाट इज द टॉपिक फॉर आर डिस्कशन इज कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने पार्ट 3 में, राइट. पार्ट 1 वाज इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू. पार्ट 2 में हमने डिस्कस करा था क्यू कार्ड का टॉपिक, कैसे आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में कि आप पार्ट 3 विच इज अ डिस्कशन राउंड, उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसे आपके आंसर फ्रेम होने चाहिए, राइट. सो व्हाट इज पार्ट 3? पार्ट 3 होता क्या है? पार्ट 3, द एग्जामिनर वॉन्ट्स यू टू डिस्कस एंड एनालाइज मोर. यहाँ पे पार्ट 3 में एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने आंसर्स को क्या करो, मोर इलैबोरेटेड करो, मोर इन डेप्थ करो, ऑर्गेनाइज करो, एनालाइज करो, जस्टिफाई करो अपने ओपिनियन को. पार्ट 3 में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि जो टॉपिक आपने पार्ट 2 में डिस्कस करा है उसकी अब आप क्या करोगे, जनरल वे में एनालाइजेशन करोगे और इन डेप्थ में जाके आप उसको क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे. तो यहाँ पे आपकी एबिलिटी चेक करी जाती है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने ओपिनियन को, एनालाइज कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कुछ जनरल इश्यूज को या नहीं, राइट. सो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, एक्सप्लोर करता है टॉपिक को बहुत डेप्थ में जाके, जो कि आपका ऑलरेडी क्यू कार्ड में हो चुका होता है, राइट. सो हमारा क्यू कार्ड का टॉपिक था, जब हमने क्यू कार्ड का सेशन लाइव सेशन नंबर 3 करा था, उसमें वी डिस्कस अबाउट डिस्क्राइब समथिंग यू ओन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. हमने एक पियानो के बारे में डिस्कस करा था. सो यहाँ पे जब आपके अब क्यू कार्ड के बाद जो आपके पार्ट 3 के टॉपिक्स होंगे वो भी क्या होंगे, रिलेटेड टू समथिंग यू ओन, राइट. अब सपोज आपके क्यू कार्ड का टॉपिक था इट्स अबाउट टीचर. सो योर पार्ट 3 विल बी जनरल डिस्कशन अबाउट टीचिंग. इट कैन बी जनरल डिस्कशन अबाउट एडुकेशन ऑल्सो. स्पीकिंग पार्ट 3 को हम काउंटर क्वेश्चंस भी बोलते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, ब्रॉडर रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछता है. और ये जो फाइनल टेस्ट होता है आपका स्पीकिंग का, दैट इज जो डिस्कशन राउंड है, ये 4 to 5 मिनट्स के लिए होता है. यहाँ पे एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा इलाबोरेटेड और इन डेप्थ क्वेश्चन के बारे में पूछने वाला है. ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, आपको फ्लुएंटली अपने आंसर को देना है, मेमोराइज कंटेंट कभी नहीं देना है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, राइट. नाउ सी पॉसिबल पार्ट 3 क्वेश्चंस, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस मिल सकते हैं. अगर आपका पार्ट 2 का टॉपिक है समथिंग यू ओन दैट इज इम्पॉर्टेंट टू यू, सो आपका पॉसिबल पार्ट 3 क्या होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू बिलोंगिंग्स, शॉपिंग, एडवर्टाइजिंग और वैल्यूज. अगर आपका क्यू कार्ड का टॉपिक है अ हॉलीडे यू एंजॉय, सो आपके पार्ट 3 के क्वेश्चंस होंगे टूरिज्म, हॉलीडे, डेस्टिनेशंस, लेजर टाइम एंड ट्रैवलिंग. इफ योर क्यू का टॉपिक इज अबाउट आइटम यू वुड लाइक टू बाय, सो देन आपके टॉपिक्स क्या होंगे, शॉपिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, कंज्यूमरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लोथिंग. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपका क्यू कार्ड का टॉपिक है उसी से पॉसिबल क्या होंगे, आपके पार्ट 3 के टॉपिक एरियाज होंगे. अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज की आपके पार्ट 3 डिस्कशन राउंड की. फर्स्ट इज कि आपको कैसे बोलना है, यू हैव टू स्पीक अबाउट टॉपिक्स इन जनरल. यहाँ पे आपको पर्सनल एग्जाम्पल नहीं देना, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं शो करना, बिकॉज आप ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या करके आए हो, अपने फेमिलियर टॉपिक्स के बारे में, अपनी फैमिली के टॉपिक्स के बारे में, अपने बारे में डिस्कस कर आए हो. तो अब एग्जामिनर आपकी फैमिली या आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला, जनरल क्वेश्चंस पूछने वाला है. तो आपको क्या आंसर करना है, यू हैव टू डिस्कस जनरल टॉपिक्स, जिसमें आप क्या करोगे, अपने ओपिनियन को, अपने आइडियाज को शेयर करोगे, राइट. सो इन टॉपिक्स को शेयर करने के लिए, जनरल वे में बोलने के लिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ फ्रेजेस दिए हैं. रादर देन टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बजाय बोलने के, व्हाट यू कैन स्पीक इज यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट फ्रेजेस. आप इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हो अपनी डिस्कशन को एक्सपैंड करने के लिए. फर्स्ट इज इन माई कंट्री मोस्ट पीपल बिलीव दैट, सो यू आर टॉकिंग, आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, आप अपना पर्सनल कोई आंसर नहीं दे रहे यहाँ पे. इफ आई कंपेयर माई कंट्री टू ऑस्ट्रेलिया, द लोकल कम्युनिटी इज इन माई कंट्री, थिंकिंग अबाउट दिस इन जनरल, द मेन रीजन वाई मोस्ट पीपल, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, इट टेक्स माई कंट्री एज एन एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस हैपन इन माई सिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल,
ऑफ दिस इन माई कंट्री. सेकेंड इज जब आप लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करोगे. नाउ लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो आपके आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, हाउ यू फील, व्हाट यू आर सेइंग, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आइडियाज को, मैनेज करते हैं कि आप क्या बोल रहे हो. इससे आप अपने फिलर्स को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो. ट्राई टू अवॉइड योर फिलर, जैसे ये वाले फिलर्स, ये लाइक यू नो. सो ये वाले फिलर्स को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है विद दिस लिंकिंग वर्ड्स. अब लिंकिंग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, सीक्वेंसिंग, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्डर में लाना चाहते हो, टू बिगिन विद, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फर्स्टली, सेकेंडली, सब्सिक्वेंटली, ऑन द टॉप ऑफ दैट, आफ्टर दिस, फाइनली, ऐड करना है जब आपको इंफॉर्मेशन को. एनीथिंग दैट कम्स टू माई माइंड बिसाइड्स, एडिशनली, अनदर गुड एग्जाम्पल, अपने ओपिनियन को शेयर करना है, अनफॉर्चुनेटली, हाउ एवर, डेफिनेटली, फ्रेंकली, इफ यू आस्क मी, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है, हाउ एवर, ऑल दो, ऑन द वन हैंड, ऑन द अनदर हैंड, सिमिलर फैशन. सो आप क्या कर रहे हो, अपने कंपैरिजन कर रहे हो, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, बट कैसे कर रहे हो, आइडियाज को लिंक करके, लिंकिंग वर्ड्स को और फ्रेजेस को यूज करके. सो रिमेम्बर, वेरी फर्स्ट इज कि आपको कैसे स्पीक करना है. यू हैव टू स्पीक अबाउट टॉपिक्स इन जनरल, लिंकिंग आइडियाज विद लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस. बी विलिंग टू एक्सटेंड योर आंसर. थर्ड में आपको क्या करना है, अपने आंसर को एक्सटेंड करना है. अब आप एक्सटेंड कैसे करोगे, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको टॉपिक की डेप्थ में जाके एक्सपेंशन करना आना चाहिए. तो उसके लिए आपको क्या क्या, लाइक व्हाट स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज इज, फर्स्ट इज आप एक्सप्रेस करो अपने ओपिनियन को. जब आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हो, यू कैन टॉक मोर. एग्री और डिसएग्री करो. अगर आप एग्री करते हो, टॉक अबाउट योर रीजन, एक्सप्लेन. अगर आपने डिसएग्री करा है, तब भी आप एक्सप्लेन करो. लुक फॉर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. जो भी आपका क्वेश्चन है, उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताओ. आपने जो ओपिनियन दिया है, उसका रीजन क्या है, उसको एक्सपैंड करो. अगर आपने अपना ओपिनियन दिया है, यू टॉक्ड अबाउट समथिंग, उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो. अपनी कंट्री की सिचुएशन को एक्सप्लेन करो. फ्यूचर के रिस्पेक्ट में बात करो. किसी भी टॉपिक की इम्पोर्टेंस बताओ, जो भी आपसे क्वेश्चन रेस्पेक्टिव है. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, तो आस्क एग्जामिनर टू क्लैरिफाई इट. ठीक है, सॉल्यूशन सजेस्ट करो, कंपेयर करो, कॉन्ट्रास्ट करो, बट यू हैव टू स्पीक अबाउट, यू हैव टू एक्सटेंड योर आंसर. अगर आप अपने आंसर को एक्सटेंड नहीं करोगे, एग्जामिनर वोंट बी एबल टू इवैल्यूएट, एंड यू विल बी लाइंग ऑन अ बैंड लेवल ऑफ 5 और 5.5. नेक्स्ट इज यूज अ वाइडर रेंज ऑफ वोकैबुलरी. नाउ दिस प्लेज अ वाइडर रोल हेयर. वाई? बिकॉज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी इज अ पैरामीटर ऑफ योर स्पीकिंग मॉड्यूल, है ना. इफ यू कैन स्पीक, अगर आप बोल सकते हो, यू हैव अ कैपेबिलिटी टू स्पीक एट लेंथ, तो आपको क्या करना है, वाइडर रेंज ऑफ वोकैबुलरी शो करनी है, अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को शो करना है. तो आप कैसे कैसे शो कर सकते हो, अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो सिचुएशन अपनी कंट्री की, तो आप प्रेजेंट में भी बात कर सकते हो, पास्ट में भी बात कर सकते हो, परफेक्ट में भी बात कर सकते हो, राइट. थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हो, तो आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखना है. ठीक है, आपके टेंसेस क्या होने चाहिए, फ्यूचर होने चाहिए. इफ, विल, गोइंग, मे, माइट, शुड, कुड, सो यू कैन यूज ऑल दीज. सॉल्यूशन सजेस्ट करते हुए भी आप कंडीशंस को, मॉडल्स को, वर्ब्स को यूज कर सकते हो. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स, ऑन द वन हैंड, ऑन द अनदर हैंड, निवर्दीलेस, कनेक्टर्स को यूज करो, अपनी ग्रामर को यूज करो, राइट. नाउ लेट्स लुक एट, अब एक स्क्रिप्ट है ये फ्रॉम आयल्स ऑफिशियल वेबसाइट टेस्ट की, जहाँ पे अनुराधा ने आंसर दिया था अबाउट टॉपिक फेमस पीपल. सो वॉट एग्जामिनर आज लुक एट, कि उसने कैसे रेंज ऑफ आइडियाज यूज करे हैं, वोकैबुलरी कैसे यूज करी है, और टेंसेस कैसे यूज करे. एग्जामिनर एग्जामिनर आस्क हर, लेट्स कंसिडर फर्स्ट ऑल ऑफ फेमस पीपल इन योर कंट्री. इन मलेशिया व्हाट काइंड ऑफ पीपल बिकम फेमस? सो शी रिप्लाइड, डेफिनेटली पॉलिटिशियंस एंड सम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर वेरी फेमस अमंग मलेशियंस, राइट. सो कैसे उसने आंसर दिया, उसने बताया कि कौन कौन से फेमस पीपल हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं. सेकेंड क्वेश्चन वॉज, सो वॉट अबाउट इन द पास्ट, इज दैट द सेम एज इन द पास्ट वेयर पॉलिटिशियंस एंड एक्टर्स ऑलवेज? नाउ एग्जामिनर आपसे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है पास्ट का, राइट. वॉट अबाउट इन द पास्ट, इज द सेम एज इन द पास्ट, क्या पास्ट में भी वैसा ही था?
राइट, और अब भी वैसा ही है। सो आपको पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करके बताना है कि पॉलिटिशियंस ही और एक्टर्स ही ऑलवेज फेमस थे या और भी कोई था। सो सी हाउ शी हैज एक्सप्लेन, हाउ शी हैज यूज द वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन टूल, 60s and 50s, मूवीज, पर्सनल लाइफ, पॉलिटिशियंस पर्सनल लाइफ कंपेयर टू नाउ। सो हाउ शी इज यूजिंग द कनेक्टर्स हियर, ऑलवेज यूज माइंड मैपिंग हियर। नाउ वेन एवर यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द वाइडर रेंज ऑफ वोकैबुलरी, माइंड मैप करना स्टार्ट करो। टॉपिक क्या है आपका? फेमस पीपल का। नाउ फेमस नेम्स कौन कौन से होते हैं, फेमस होते कैसे हैं, फीचर्स क्या है उनके, टाइप कौन से हैं फेमस पीपल के, एडवांटेजेस क्या है फेमस पीपल की और डिसएडवांटेजेस क्या है। जब आप ये माइंड मैपिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो उससे आपकी वोकैबुलरी और आपके फ्रेजेस रिलेटेड टू द टॉपिक एग्जामिनर को दिखते हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है बनाना, दिस इज अ वंडरफुल वे जिससे आप अपनी आइडिया और वोकैबुलरी को शोकेस कर पाओगे। सो सी अनुराधा ने कैसे वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज की है, इडमैटिक मीनिंग यूज की है यहाँ पर, राइट, करेक्ट कॉलोकेशन यूज की है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज फ्रॉम अनुराधा वॉज, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर, वॉट अबाउट ऑन द यंग, डू सेलिब्रिटीज डू यू थिंक प्रोड्यूस नेगेटिव इफेक्ट्स इन योर यूथ। अब क्वेश्चन था कि क्या इन्फ्लुएंस है कंज्यूमर पे, स्पेशली यंग वन पे, सेलिब्रिटीज, क्या वो कोई नेगेटिव इफेक्ट, क्या उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है यूथ पे। सो यू हैव टू टॉक अबाउट नाउ यंगर जनरेशन कि उनका क्या इफेक्ट होता है, राइट। नाउ सी हियर वोकैबुलरी, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, बिकमिंग थिनर, मॉडल्स एंड सेलिब्रिटीज, बींग नॉर्मल बॉडीड, बींग हेल्थी, बींग थिन। नाउ यू कैन सी हाउ शी हैज एक्सप्लेन रेंज ऑफ टॉपिक, उसने कैसे अपने आइडियाज को यहाँ एक्सप्लेन करा है, फोकसिंग ऑन द वाइडर रेंज ऑफ वोकैबुलरी। सो आपको वोकैबुलरी पे फोकस करता है बिकॉज आपका एक क्राइटेरिया लेक्सिकल रिसोर्स ही होता है जिसमें आपको क्या शो करनी है, अपनी वाइडर रेंज ऑफ वोकैबुलरी। इडमैटिक लैंग्वेज आप शो कर सकते हो, वोकैबुलरी शो कर सकते हो, अनकॉमन वर्ड्स नॉट फेमिलियर, राइट। नाउ फॉर दिस यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन अ बेबी कोड एप्लीकेशन बिकॉज वो जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली IELTS ऑफिशियल टेस्ट की तरह डिजाइन किया गया है, फेस टू फेस नहीं है, बट येस वो रियलिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, टाइम रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को दे सकते हो, चेक कर सकते हो क्यू कार्ड को भी, और आपको बैंड स्कोरिंग भी 4 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही मिलती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर सम ऑफ द एसेंशियल टिप्स जो आपको स्पीकिंग पार्ट 3 में बहुत ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज डोंट गिव पर्सनल आंसर, आपको कभी भी अपना पर्सनल आंसर नहीं देना, ये आपका जनरल राउंड है, डिस्कशन राउंड है, यू हैव टू टॉक अबाउट, आपको जनरल वे में अपने टॉपिक को डिस्कस करना। क्वेश्चन इज डू यू थिंक डाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, सो आपका आंसर क्या होना चाहिए और आपका इनकरेक्ट आंसर कैसा होता है। इनकरेक्ट आंसर है कि येस आई एम डाइटिंग टू रिड्यूस वेट एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आई थिंक एवरीबडी शुड गो ऑन अ डाइट, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। आपसे पूछा गया डू यू थिंक डाइटिंग इम्पॉर्टेंट, येस आई थिंक इट इज, इफ पीपल आर अबव देयर नॉर्मल वेट एंड आर अनहेल्दी दे शुड गो ऑन अ डाइट इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपने किसके रिस्पेक्ट में आंसर दिया, पीपल के रिस्पेक्ट में, राइट, आपको जनरल आंसर देना। नेक्स्ट इज गिव ओपिनियटेड आंसर, जब आपको अपने ओपिनियंस देने हैं वहां पे, राइट, व्हाट आर द पॉसिबल ओपिनियंस आप दे सकते हो इससे रिलेटेड। क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक पीपल एंजॉय ईटिंग आउट, क्यों लगता है आपको, व्हाई पीपल, क्यों उनको बाहर खाना पसंद है। सो यू विल बी गिविंग योर ओपिनियन, यहाँ पे आप अपने आंसर्स देने वाले हो। फर्स्ट इज चेंज ऑफ प्लेस समटाइम, सेकेंड इज दे विल बी दे माइट नॉट बी इंटरेस्टिंग इन सिटिंग और ईटिंग इन साइड द 4 वॉल्स, राइट। सेकेंड रीजन दे लव टू ट्राई डिफरेंट कुजीन्स फ्रॉम डिफरेंट रेस्टोरेंट, नेक्स्ट कुड बी रेस्टोरेंट ऑफ डिशेज हुज प्रिपरेशन दे आर अनअवेयर, ईटिंग आउटसाइड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली हैज बिकम अ मेजर पास टाइम। सो यू कैन गिव योर ओपिनियन हियर, राइट, यू कैन गिव सेवरल ओपिनियन, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, दैट डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू एक्सटेंड, आपको अपने आंसर को एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट गिविंग एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद योर ओपिनियन, अब आपने अपने ओपिनियन के साथ क्या करना है, एग्जाम्पल भी देना है। डू यू थिंक पेरेंट्स शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन विद देयर होमवर्क और शुड इट बी डन बाय द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन,
अब आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू थिंक पेरेंट्स शुड हेल्प देयर चिल्ड्रन, हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट? अगर आपको लगता है कि नहीं, चिल्ड्रन को खुद होमवर्क करना चाहिए, तो आप उस रिस्पेक्ट में अपने आंसर को दोगे और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो. सो रीड इट हियर. आई थिंक इट शुड बी डन बाय चिल्ड्रन ऑन देयर ओन, बट दे कैन रीच आउट टू देयर पेरेंट्स फॉर डाउट. दैट मीन्स उनको होमवर्क खुद करना चाहिए, बट यस, अगर उन्हें कोई डाउट है तो वो पेरेंट्स को क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, बट पहले आप क्या दोगे, अपना ओपिनियन दोगे, राइट? नेक्स्ट इज आंसरिंग कंपैरिजन क्वेश्चंस. अब कंपैरिजन क्वेश्चंस कैसे आंसर करते हैं, जब आपको क्वेश्चन प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए बोलेगा और आपको क्या करना है, कंपेयर करना है. आर द रिक्रिएशन टेक्निक्स दैट आर पॉपुलर टूडे द सेम एज दोज दैट वर पॉपुलर वेन योर पेरेंट्स वर यंग. अब रिक्रिएशन टेक्निक्स के बारे में पूछा जा रहा है. रिक्रिएशन टेक्निक्स आर द सम एक्टिविटीज जिसमें हम लेजर एक्टिविटीज होती है, फिजिकल एक्टिविटीज होती है, राइट? पूछा जा रहा है कि वो बिल्कुल सेम है जब पेरेंट्स आपके यंग थे और आज के टाइम में. सो दैट मीन्स आपको कंपेयर करना है प्रेजेंट का और पास्ट का. सो नो, दे आर नॉट हाउ दे यूज टू बी. ईयर्स अगो जब पेरेंट्स यंग थे, रिक्रिएशन कैसी थी, वो आउटडोर एक्टिविटीज पे बेस्ड थी रादर देन इनडोर. टूडे इट्स मेनली सिनेमा, टुडे इट्स मेनली सिनेमा, सोशल मीडिया, बट इन द पास्ट इट वॉज यूजली फुटबॉल, बास्केटबॉल और इवन स्विमिंग, राइट? सो यू हैव टू मेक कंपेरिजन. नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द इजी क्वेश्चन. हम कुछ इजी क्वेश्चन देखने वाले हैं, कौन से टॉपिक पे, एडवर्टाइजिंग और शॉपिंग पे, जिसमें आपको कैसे हेल्प होगी, और वो आंसर्स जो है वो सारे बैंड 8+ के हैं. सो यू कैन रीड दोज आंसर्स ऑल्सो, आप उनको रीड भी कर सकते हो. हमारा टॉपिक था समथिंग यू ओन, तो हम एडवर्टाइजिंग पे क्वेश्चंस कर रहे हैं. हाउ डू एडवर्टाइजमेंट्स अट्रैक्ट अटेंशन, कैसे अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं? तो यहाँ पे आप ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बता सकते हो, यंग पीपल के बारे में, ओल्डर पीपल के बारे में, और कैसी कैसी एडवर्टाइजमेंट्स हो, उन चीजों को आप डिस्कस कर सकते हो. कि कैची म्यूजिक होता है तो उससे अट्रैक्ट होती है अटेंशन, लिसनर्स सुनते हैं उन एडवर्टीजमेंट्स को. अगर आपको ओल्डर जनरेशन के लिए एडवर्टीजमेंट करनी है तो वो क्या क्या होनी चाहिए, राइट? सो कैसे एडवर्टीजमेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, यू कैन टॉक अबाउट हियर. सी द वोकैबुलरी, सी द आइडिया जनरेशन ऑल्सो. सेकेंड क्वेश्चन, डू यंग एंड ओल्ड पीपल हैव द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स एडवर्टीजमेंट? नाउ इफ यू थिंक कि यस, आपको लगता है कि यंगर पीपल और ओल्डर पीपल का सेम एटीट्यूड है, तो भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि नहीं, उनका नहीं है, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव देना है, आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है यहाँ पे, राइट? और अपने आंसर को क्या करना है, वेल एक्सपैंड करना है. सो सी द कनेक्टर्स, बोथ ओल्डर एंड यंग पीपल, दे आर इंक्लाइन टू बिलीव ऑन द वन हैंड. सो दैट मीन्स आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपने क्वेश्चन को एनालाइज करके एक्सपैंड कर रहे हो, जो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. डू यू थिंक एडवर्टाइजमेंट्स आर अ गुड और अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन? अब आपको बताना है कि एडवर्टाइजमेंट का एक अच्छा इन्फ्लुएंस होता है या बैड होता है चिल्ड्रन पे. अगर आपको लगता है कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट्स का एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, तो आप उसके पॉजिटिव में लिखोगे, पॉजिटिव में बोलोगे. अगर आपको लगता है कि नहीं, बैड इन्फ्लुएंस है, तो आप अपने आंसर को बैड इन्फ्लुएंस के रिस्पेक्ट में लिखोगे, राइट? सो आई वुड से दैट इट हैज अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइफ एंड करेक्टर्स. व्हाई? बिकॉज एडवर्टीजमेंट यूजली टेंड टू बी अनरियलिस्टिक एंड दे प्रोवाइड अ फॉल्स इंप्रेशन ऑन चिल्ड्रन हाउ शुड बी और व्हाट और व्हेन दे बाय द प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक एडवर्टीजमेंट्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस पीपल टू बाई थिंग्स एंड हाउ? आपको क्या लगता है कि एडवर्टीजमेंट क्या लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कोई चीज लेने के लिए? आप लोग इन्फ्लुएंस होते हो कुछ देख के, और कैसे? अगर आपको लगता है यस, सो यू हैव टू टॉक अबाउट कि कैसे होती है, बिकॉज एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बहुत फेमिलियर होते हैं, दे वॉन्ट टू बाय समथिंग, ब्रांडेड होते हैं, राइट? सो सम पीपल दे लुक कि हाँ, दे हैव, दे थिंक दैट दे हैव दिस वेस्टर्न प्रोडक्ट, सो वो कैसे लगेंगे, कूल लगेंगे, राइट? सो यू हैव टू एक्सपैंड योर आंसर, एनालाइज योर आंसर. लेट्स लुक एट नेक्स्ट टॉपिक विच इज शॉपिंग. डू ऑल पीपल एंजॉय शॉपिंग फॉर क्लोथ्स? अब ऑल पीपल की बात हो रही है यहाँ पे. अपने आंसर के लिए आप यंगर पीपल की बात कर सकते हैं, ओल्डर पीपल की, वुमेन की, मेन की, आप फोर डिफरेंट रिस्पेक्ट में आंसर दे सकते हैं. आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं.
ट्राई टू यूज ईडियम्स. यहाँ पे देखो एक ईडियम यूज किया गया है, टेक प्लेजर इन. टेक प्लेजर इन मीन्स डिराइव हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट फ्रॉम. सो यहाँ पे आप शॉपिंग फॉर क्लोथ्स में आप शॉपिंग के बारे में बात करें और किसके बारे में बात करें, यू कैन टॉक अबाउट वुमेन्स, यू कैन टॉक अबाउट मेन्स. इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, अगर आपको ओल्डर जनरेशन यंगर जनरेशन से रिलेटेड भी बात करनी है, बिकॉज यहाँ पे आपका क्वेश्चन है डू ऑल पीपल, क्या सब लोग इंजॉय करते हैं शॉपिंग. सो यू कैन टॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वुमेन लाइक टू गो शॉपिंग. अब इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ वुमेन के बारे में पूछा गया, तो आप वुमेन के रिस्पेक्ट में ही आंसर दोगे, राइट? कि व्हाई वुमेन्स को क्यों अच्छा लगता है शॉपिंग करना. नाउ सी हियर, यहाँ पे कैसे कोहेसिव डिवाइसेस का यूज किया गया है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू अ कंसेप्ट, यू कैन सी द ब्लैक बुलेट हेयर, द बोल्ड कलर वर्ड्स, सारे मीनिंग मैंने आपको यहाँ लिख के दिए हैं. ईडियम्स का यूज करा है, राइट? सो आपको भी जब अपना आंसर फ्रेम करना है, यू हैव टू यूज ईडियम्स. आपको ईडियम्स यूज करने हैं, अनफेमिलियर वोकैबलरी यूज करनी है और लिंकिंग डिवाइसेस यूज करनी है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हेंस ऑन द वन हैंड, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो यू कैन सी एंड फ्रेम योर आंसर द सेम वे. आपको भी ऐसे ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई सम वुमेन बाय चीपर क्लोथ्स एंड एक्सपेंसिव वन एट द सेम टाइम. क्यों वुमेन जो है चीपर क्लोथ्स भी लेती है और एक्सपेंसिव भी लेती है सेम टाइम पे. रीजन इसका आपको सोचना है और आपको अपने आंसर को क्या करना है, फ्रेम करना है. बट फोकस ऑन वोकैबलरी, कि कैसे आपको अपने सेंटेंसेस को वाइडर रेंज ऑफ वोकैबलरी के साथ क्या करना है, एनहांस करना है, राइट? सो कब वुमेन्स जो है चीपर क्लोथ्स लेती है, कब वो एक्सपेंसिव लेती है और क्यों लेती है, आपको इस इश्यू को क्या करना है, एनालाइज करना है और आपको इसके बारे में आंसर को फ्रेम करना है. सो आई होप दैट यू आर एबल टू, आपको समझ आ रहा है कि कैसे आपको आइल्स के पार्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है. यू कैन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बेबी कोड एप्लीकेशन पे. अनलिमिटेड टेस्ट आपको वहां मिलेंगे, बैंड स्कोरिंग्स आपको मिलती है, आप अपने ग्रामेटिकल एरर्स को भी चेक कर सकते हैं. लाइव स्पीकिंग एप्लीकेशन है ये हमारी, राइट? अनलिमिटेड टेस्ट से आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपके एग्जाम में क्या आपका स्कोर आने वाला है. यू कैन वॉच आउट अ लाइव सेशन, आप लाइव सेशन भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, बेबी कोड एप्लीकेशन पे भी. स्टार रेटिंग प्रोवाइड कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट प्रोवाइड कीजिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन एसिंग योर आइल्स, राइट? अगर कोई पर्टिकुलर सेशन यू वांट मी टू कवर, वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं. कोई भी क्वेरी है आपको सेशन से रिलेटेड, ड्रॉप योर क्वेरी, आई विल हेल्प टू सॉल्व इट, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लाइव सेशन 4, जो था इट्स अबाउट पार्ट 3 डिस्कशन. दोज हु आर न्यू टू दिस सेशन, वो जाके पहले सेशन नंबर 1, 2 और 3 को देखे, सो दैट यू विल बी ऑन ट्रैक विद मी. एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट लाइव सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल यू.